कोविड-19 निगरानी से संबंधित चिकित्सक के सभी पटल और एवं प्रभारियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में कोरोना टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव मरीज आने पर उन्हें L1 व L2 के अस्पतालों में भेजने से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई तथा कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जाँच कराने के निर्देश दिए। बैठक में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये लोग तो कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, या वैसे ही 60-70 लोग हो गए अभी, वो क्रम पे लेंगे अभी। हम डायलिसिस पे किया तो इन लोग भी देखिए, एक सप्ताह मान लीजिए किसी ने क्यू है, एक दो दिन विलंब भी होता है तो मैनेज हो जाता है, इसलिए भेज रहा उस पर। और अगेन देखिए, ये कंट्रोल रूम है, इसको किसका जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, एक कंट्रोल रूम हमारा, हमारे प्रोटोकॉल में है। अगर ठीक है, टीबी पेशेंट टीबी हॉस्पिटल चले गए, वहाँ भी बहुत सारा ऐसा केस होता है कि वहाँ भी रिफ्यूजल आ जाता है, फिर वहाँ से हमारे जो स्टाफ है यहाँ आता है, रेलवे में आया, फिर वहाँ भी बैग नहीं है तो फिर वहाँ चला गया। ये क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज, वहाँ चला गया। ऐसे करके ये माने कभी कभी तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा लोकल माने पेशेंट को नहीं हम लोग सेवा दे पाते प्रॉपर है। इसके लिए थोड़ा दिमाग वाले चाहिए, तो कैटेगरी ढंग से कर लें, सीरियसनेस के साथ से। इंसेंट्स मिल जाते वो सर, इंसेंट्स तो 5 तो हम दे रहे हैं, बट आपके तरफ से किसी को तो रखना, हमारी तरफ से भी एक लग जाएगा कोई एम्बुलेंस वाला। एक पेशेंट अविनाश सिंह LIG 88 तिवारीपुर थाने का था, 11 बजे से 3 बजे तक मैं एम्बुलेंस ली। मैं उसके यहाँ घटिया, मैंने डॉक्टर साहब से 2 बार कहा, डॉक्टर साहब ने भी अपने स्तर से प्रयास किया, 3 बजे मैंने फीडबैक किया, वो उसके रेस्पिरेटरी सांस की दिक्कत थी। नहीं, आप ये बताइए, 11:45 पर 11:41 पर आपको सूचना दे दी गई थी कि 108 नंबर की एम्बुलेंस वहाँ भेजिए, आप 3 बजे तक आपका एम्बुलेंस नहीं गया था, 108 पर कॉल किए होंगे तो वहाँ से मेरे तक के पास सूचना नहीं थी।